झारखंड में सियासी हलचल लगातार तेज हो रही है। आज की बात करें तो देर शाम ऐसी खबर आई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता चली गई है और आप यह देख रहे हैं राजभवन के पास पत्रकारों के अलावा कई आम लोग भी जुट गए हैं। इस पर हम चलिए बात करते हैं कुछ आम नागरिकों से, आम लोगों से कि वह ऐसे जो स्थिति उत्पन्न हुई है झारखंड में राजनीतिक की, इसे किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझे सुनना पसंद कर रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि अभी मुख्यमंत्री का जो सदस्य बने थे वो ख़त्म हो गया, ये सुनने को आया हमको। अभी मुझे पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन मुझे जैसा फील हो रहा है कि अगर ये रहते तो हमारा जो समस्या था वो पूरा ख़त्म हो जाता। चुनाव आयोग का जो भी फैसला आएगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सरकार फिर से बनेगा, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो। इसे देखना चाहिए, इसलिए उसका तो अभी कोई फैसले नहीं हुआ है, तो अभी देखना का चाहते हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है तो ऐसे आपका ओपिनियन क्या रहेगा? वैसा फैसला अभी आया नहीं ना है कि हम बता दें कि मुख्यमंत्री होगा। देखिए, हम लोग इस राज्य के आम जनता हैं, कमाने वाले वर्ग से हम आते हैं। पहले जब हम स्टूडेंट थे तब की अगर बात करें तो झारखंड से ही मेरा जन्म हुआ है, झारखंड में मेरी पढ़ाई हुई है, झारखंड में ही अब हम लोग अपना व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी मैं और लोगों की बात भी कह रहा हूँ। क्या है कि अगर वर्तमान की बात की जाए तो चाहे हेमंत सोरेन नहीं, बहुत से नेता जो होते हैं जब पद पर आते हैं तो केवल खुद का लाभ देखते हैं, जनता के लाभ को या जनता के हित को ध्यान में न रखते हुए खुद के लाभ को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है तो हमें नहीं लगता कि अगर इनके जाने या ना जाने से जनता को कोई खास फर्क पड़ने जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास तो मैंडेट है। अगर हमें फर्क सरकार माले चेहरा चेंज होगा तो आपका पब्लिक ओपिनियन में आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? देखिए, हम तो अगर बात करें तो हम तो यही चाहेंगे कि सिबू सोरेन हो, चूँकि उनका भी वो कार्यकाल हमने देखा है, हालांकि बेहद छोटे कम दिनों का कार्यकाल था। या हम चाहेंगे कि कोई ऐसा हो जो इनकी तरह इस तरीके के मामले में ना फंसे, जो निष्पक्ष हो, अपने पद की गरिमा को बनाए रखे और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए जनता के लिए काम करे, लुभावने वादे पे ना जाए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी, जो अभी राजनीतिक तूफान है वो वाकई ही बहुत गंभीर है और इसमें सब पिसे जा रहे हैं। विधायक को हम बैठा तो देते हैं, लेकिन इसमें आम जनता ही पिसा जाता है। अगर सदस्यता जाती है तो किसे नया मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? देखिए, झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और हम चाहेंगे जो आदिवासियों का भला कल्याण करेगा उसी को हम यहाँ देखना चाहेंगे। कोई नाम जो अभी चर्चाओं में? नाम ये तो मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन हम चाहेंगे कि झारखंड राज्य, मैं बार बार अभी भी बोलना चाहूंगी कि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, तो फिर यहाँ तो जो आदिवासी को विशेषकर गरीब को समझने वाला ही हो, मैं नाम लेना उचित नहीं समझती इस दरमियान में। देखिए, जैसा कि अभी तक ये कोई तय नहीं हुआ है कि हेमंत सरकार कि उनका कोई रद्द हुआ है, तो अभी नया चेहरा JMM के तरफ से ही हमको लग रहा है कि होगा। अब देखते हैं आगे कि जो JMM की जो सरकार अभी है, मौजूदा सरकार और जो उनके कैबिनेट और उनके अंदर जो दो तीन और दल हैं वो सब बैठ के और तय करेंगे। देखिए, राज की हालत तो एक्चुअल में देखा जाए तो सही में अच्छा नहीं चल रहा है, घोटाला भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है। एक पद पर रहते हुए आदमी दूसरे पद पर नहीं रहना चाहिए, उस पर भी रह के उसका भी लाभ ले रहा है, तो आदमी को क्या होना चाहिए? जनता के लिए आप अगर चुने हुए हैं तो जनता के हित को देखते हुए ही आप काम कीजिए। आपने बड़ी बड़ी वादा करते हैं चुनाव से पहले, लेकिन चुनाव के बाद आपकी वादाओं का क्या हो जाता है? क्या सांप सूंघ जाता है आपकी वादाओं को, या आप करना नहीं चाहते, आपका जज्बात नहीं है? अभी जो हालात ऐसी है सरकार की, तो मेरे राय में विधि संगत हमारे राज्यपाल भवन के हम लोग सामने बैठे हुए हैं, महामहिम है, अब इनका फैसले का इंतजार है। हमको लगता है कि इनका फैसला राज्य के हित में ही आएगा। राज्य का जो मौजूदा स्थिति है वो बहुत ही अभी ख़राब है, इसलिए कि यहाँ पे कुछ अभी सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चल रहा है और मुख्यमंत्री की गरिमा होती है उसको देखते हुए अभी
उनको इस टाइप से वो घोटाला वाला में नहीं करना चाहिए था। एक बार जो चर्चाएँ आती है कि सदस्यता चली गई, फिर होता है कि अभी पुष्टि नहीं हुई है, इसको क्या कहेंगे? ये तो राज्यपाल के ऊपर छोड़ दिया गया है, अब महामहिम जो फैसला लेंगे वो उचित ही लेंगे। आपने सुना किस तरह से जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनका कहना है कुछ लोगों का कि यह सरकार बदलनी चाहिए, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हेमंत सरकार बेहतर काम कर रही है और फिर से अगर वैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उन्हें ही मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। हालांकि अभी कयासों के बाजार गर्म है, आने वाला वक्त बताएगा कि झारखंड की राजनीति किस ओर मोड़ लेती है। तमाम झारखंड की राजनीति से जुड़ी अपडेट पाने के लिए बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ।